बात करेंगे कोलारस की, जहां पर एक व्यक्ति ट्रक में डोडा चूरा नीमच से पंजाब ले जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 15 लाख रुपए की कीमत का 154 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया है। साथ ही ट्रक में पशु आहार की बोरियों के बीच डोडा चूरियों की बोरी को छुपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस आरोपी से इस मामले में जुड़े हुए ट्रक मालिक और अन्य लोगों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। अपने विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त की थी कि एक ट्रक है जो कि पंजाब नंबर का है, उसमें जो ड्राइवर है वो कुछ अवैध मादक पदार्थ लेके जा रहा है। तो उसी सूचना पर से चेकिंग लगा ट्रक को रोका गया और उसको चेक किया गया, तो उसमें से अपने को 154 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ।